तो गाइस यहाँ पे वो अंकल को आप देख सकते हो, वो मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं कि उनके वहाँ पे आ जाओ और वो पेट्रोल फिल कर देंगे। ओके वन टेन। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 110 रुपीज़ का मैंने पेट्रोल बोला। अब आगे देखो अंकल करते क्या हैं। तेलुगु नहीं आता, तेलुगु नहीं आता, ये 60 रुपीज़ है। हाँ इसमें और डालता। अब गाइस अंकल लूज पेट्रोल लेके आते हैं और मुझे बोलते हैं कि ये 60 रुपीस का पेट्रोल है और 50 रुपीस का मैं मशीन से डाल दूंगा तो हो जाएगा 110 का। ओके और मैंने इनको हाँ भी नहीं बोला और इन्होंने पेट्रोल डालना स्टार्ट कर दिया। 60 का ज़्यादा है वो। साइड में डाल दे रहे हैं। क्यों ऐसा ये बाहर निकला है निकाल। अब गाइस अंकल को मैंने पूछा कि अंकल ये पेट्रोल बाहर क्यों था, तो अंकल बोलते हैं कि डेंसिटी चेक करने के लिए डेली निकाला जाता है, लेकिन ये वीडियो 12 बजे की और पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस अगर वो पेट्रोल डेंसिटी चेक करने के लिए निकाला गया था और वो 60 रुपीज़ का था तो अंकल को मुझे 60+50 दो बिल देनी चाहिए, लेकिन अंकल ऐसा नहीं करते हैं और पेट्रोल बूथ छोड़ के पीछे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं ताकि मैं निकल जाऊं और वो जो अंकल ने ब्लैक किया था पेट्रोल वो उनका पैसा उनको मिल जाए। अब भाई जैसे ही मैं निकला अंकल फिर से बूथ पे आ गए और अपना रेगुलर काम स्टार्ट कर दिया। अब गाइस मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ, बाद में मैंने सोचा तो मुझे पता लगा। अब मेरे से पहले अगर दो बंदे आए हैं, फर्स्ट वाले बंदे ने 60 रुपीज़ का पेट्रोल डलाया और वो चला गया, ठीक है, अंकल को उसने पे कर दिया, लेकिन दूसरा बंदा जो आया वो 60 रुपीज़ से ज़्यादा मतलब कि 100-200 कितने का भी उसने पेट्रोल डलाया होगा, तो अंकल ने क्या किया 60 रुपीज़ को ज़ीरो नहीं किया और 60 रुपीज़ से स्टार्ट करके ही पेट्रोल को आगे कंटिन्यू कर दिया, तो उसकी गाड़ी में 60 रुपीज़ का पेट्रोल कम डला जो कि अंकल के पास बच गया था अपने बूथ में, ठीक है। तो अंकल उस पेट्रोल को जाल में निकाले और अंकल ने देखा मैं आ रहा हूँ तो अंकल ने मेरे पास वो पेट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया और अंकल के जेब में वो 60 रुपीज़ चले गए। तो ऐसे होता है गाइस पेट्रोल पंप का स्कैम, आपने बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखा होगा कि ऐसे होता है और ज़ीरो नहीं करके मतलब कंटिन्यूएशन कर देते हैं। तो यही चीज़ है गाइस, मेरा काम था आपको बताना एज ए राइडर, एज ए सिटीज़न, एज ए आपका भाई, एज ए आपका दोस्त, कुछ भी समझ लो, लेकिन भाई सतर्क रहो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उनको भी समझ आ जाए भाई मेरा इसमें कोई लॉस नहीं हुआ होगा, मेरा अंकल ने कोई स्कैम नहीं किया होगा, लेकिन मेरे पहले वाले जो थे उनका स्कैम किया होगा, तो मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है भाई मैंने देखा तो आप सबको बताओ। तो यार ऐसी ही वीडियो आपके भाई के चैनल पे आती रहेगी, अपने भाई के चैनल आर फॉर राइडर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ भी कभी इससे पहले ऐसा हुआ है या अगर हुआ है तो कहाँ पर हुआ है। बाय बाय।